तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं तेरे नाम से कहलाऊं। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे और आप देख रहे होंगे कि आज है डिलीवरी। और डिलीवरी किसकी है? वो है चार वाइट गिनी फाउल के चिक्स। भाई मुझे बुला रहा है। पर्ची तो लगाओ पर यार जल्दी जल्दी। अच्छा गाइस, जब हम चूजे डिलीवर करते हैं ना, हमेशा एक चीज का ध्यान रखते हैं कि हम डब्बे के ऊपर ये लिखें कि डब्बे के अंदर चूजे हैं। और ये लिखने का जो मकसद होता है वो ये होता है, क्योंकि जो हमने भिजवाने होते हैं ना चूजे, वो बस कंडक्टर के थ्रू भिजवाने होते हैं। और वो क्या करते हैं, अगर उनको ये नहीं पता कि डब्बे में क्या है, तो वो क्या करते हैं, उठा के इधर उधर मारते हैं। और क्योंकि चूजे छोटे होते हैं, उनको नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, तो इस वजह से ये लिखना लाजमी होता है। चल अनकरीब ना तूने डब्बे वाली कंपनी के अंदर ना दाखिला ले लेना, मुझे लगता है एक्सपीरियंस तेरा फुल है। कैसे तू डब्बा पैक कर रहा है? देखो एक बंदा भाई किसी को चीज भेज रहा है, सही तरह तो भेजे ना। फोटो कैची हो और ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं लगे बंदे, तूने इसको फोल्ड क्यों कर दिया है? हैं? फोल्ड क्यों किया है? ये देखो ना, वरना तो खूनों से खुरच के करनी पड़ती है। अब ये फोल्ड है, ये ऊपर है। टेक्निकल गुरु जी। भाई जान, हल्की बात मेरे साथ नहीं किया। अभी साचू मेडिसिन टाइम हो गया आपका। अच्छा गाइस, ये जो गोली है ना, एक मिनट दिखाओ यार। ये फिश ऑयल के कैप्सूल में एक कमेंट आया था कि आप साशा को कौन सी मेडिसिन दे रहे हो। ये मेडिसिन नहीं है असल में यार, ये मल्टी विटामिन टाइप ही है। तो ये फिश ऑयल है जो कि इसके झाड़ों के मौसम के अंदर ना, जब ये बाल शेड कर रही होती है, उसके लिए बड़ा जरूरी होता है। ये ले साशू, आओ भाई। और ये जो है, ये डाल दे इसको। ओके, ये जो है ये प्रोसेंस है, और ये हिप एंड जॉइंट सॉल्यूशंस होते हैं। खास तौर से जर्मन शेफर्ड के अंदर ना हिप का बड़ा मसला आता है, तो ये उसके लिए गोलियां। और ये मैंने अमेरिका से मंगवाई थी अपने भाई से, तो ये यहाँ से नहीं मिलती, शायद मिल जाए, लेकिन दिस इज गुड फॉर योर डॉगी। उपला उपल उपल या उपल 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 इधर आ, उपल उपल ओ उपल, देखो कैची आती छोनी बच्ची। चले शायद अभी 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 ये देखना, ये देना, ये अभी देखना, अभी आवाजें सुनो, आवाजें सुनो। यार ये बस शोखी हो जाती है, कभी शोखी नहीं होती यार। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्यों करती है। जब ये साशा थी ना 3 से 4 महीने की, तब एक बिल्ली आती थी घर, साशा बाहर खेल रही थी, बिल्ली ने एक चमाटा मारा था। आओ चमाटा, तब से ना इसको इसने दिल पे ले लिया। साशा पे जाओ, 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 इसको पे जाओ। यार शाजिल बहुत टाइम हो गया निकले यार। मैं तो सबसे कह रहा हूँ वहाँ पे टाइम वेस्ट कर। हाँ ना, बिल्कुल। आओ, तूने दरवाजा नहीं बंद किया था? अबे यार, अब ऐसा कर, हमारे पास टाइम नहीं है शाजिल, इसको बंद कर देते हैं दरवाजे को, और ऐसे चले जाओ वापसी आके इनको अंदर। ये काम देखो, दरवाजा हम भूल गए बंद करना, सारे के सारे बाहर आए हैं। ये देखो नजारे देखते हैं, ये नीचे घुस के हमारा गर्दियां कर रहे हैं, बदतमीज। साशा चल बाहर, आ जा आ जा, इनको अंदर छोड़ देते हैं। आ जाओ आ जाओ, इसको भी बंद कर देते हैं। ये वो गाड़ी है जिसके अंदर हमने अपने चूजे रखवा दिए हैं, और इधर आवाम इतनी ज्यादा कि व्लॉग बन ही नहीं सक रहा। तो यार अब चलते हैं सीधा घर, होम स्वीट होम। अभी चूज ली, इधर आओ, इधर इधर आजो जी, आजो 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 आजो, जाओ जी, जाओ जाओ जाओ, क्वैको के साथ जाओ। ए क्वैकी क्वैकी क्वैकी, ओए आधे शाजल खुद ही अंदर घुस गए हैं। ओ यार शाजल ना मुठे भर भर के चूजों की डाल रहे अंदर। एक एक को पकड़ने से मुझे रात हो जाएगी, है ना? अब इनको कैसे डालें अंदर सारों को? वो देख, आधे से ज्यादा देख पीछे फंसे हुए हैं यार, इनके काम देख गाइस, ये देखो पीछे फंस गए यार। कोई हाल है तुम्हारा चूचूस? बदतमीज चूचूस, शैतान, जाओ अंदर, चलो भाग जाओ, बंद कर यार इसको। अच्छा इसको उठा यार। चलो जी, चलो जी, आज तुम्हारी बारी है सफाई की, आज तुम्हें हम साफ करते हैं। ओह सॉरी, तुम्हारे पिंजरे को साफ करते हैं।
यार मुल्तान की फिर गर्मी तुम्हें पता तो है शाजिद, इसमें डाल शाजिद सारों को। सीधा हो, तुझे क्या हो गया? उल्टा ही हो, दो 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 चाची, उल्टा ही हो जाता टिड्डू सा। आओ जी सारे आगे, ओके। इनको जरा छांव में रख देते हैं हम और इसको साफ कर लेते हैं। आओ डस्टबिन है नहीं इधर, चलो नीचे रख देता हूँ, बाद में इसको उठा लेंगे गाइस। ध्यान से वो बल्ब है, बल्ब ना फट जाए यार, आराम से शाजिद। ये दूसरा वाला बल्ब है, करो 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 करो, फंसा हुआ काफी सारा, वो देखो काफी गंदा। बल्ब उतार ही लेता यार तू है। ये लो जल्दी करो, जल्दी कर, जल्दी सारे कोने वगैरह दबा देते हैं। ओके दे दो ये नहीं। आओ जी चूचास सारों को इकट्ठा। ये होता बड़े हाथ होने का फायदा है ना। ले जी गाइस सारों में से सोना यही है ना, ये वाला जो पॉलिश है ना, ये किसका है? ये फूडी मुडी का, ये नहीं देना आपको, माजर फूडी मुडी। ये बेईमान हो गया शाजिद की खूबसूरती देख के। आजो फिर तू खा लो जी, मम्मा भी पी लो। मम्मा मैं आपका इधर रख देता हूँ, इधर से पीते रहना। ओके आज गाइस हमने करनी है पेंटिंग्स। जी जी जी, ये देखो ये वाला ब्रश भी है मेरे पास और ये वाला ब्रश भी है, और आज हम क्या करेंगे, अपने जो बॉक्सेस हैं उनको हमने पेंट करना है, क्यों शाजिल? बेशक। फॉर दोज ऑफ यू हु आर वंडरिंग, यार ये प्राइमर है, और प्राइमर इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हो ये जो बॉक्सेस है ना, ये हमने कल धोए थे और आज बड़े ना प्यारे प्यारे हो गए। अब हमने इसके ऊपर करने हैं डिजाइनिंग बनानी है, ड्राइंग्स करनी है, तो ड्राइंग्स करने के लिए ना हमें सबसे पहले इसकी सरफेस के ऊपर वाइट बेस देनी पड़ेगी। अगर बेस इसकी अच्छी वाइट होगी तो उसके ऊपर फिर पेंटिंग करने का ना ज्यादा मजा आएगा। तो ये प्राइमर इसीलिए होता है कि इसकी बेस अच्छी बने। कैसा है शाजिल ये बना बनाया? हाँ इसमें वो कह रहा था सिर्फ आपने ना पानी मिलाना है। तो मतलब अगर उसने कहा था अगर एक कप आप ये यूज करते हो ना, तो इसमें एक मिनट ये ब्रश दिखाना, एक कप ही आपने अंदर पानी मिला। ये ब्रश इससे जरा शार्प हो, ये ज्यादा थिक हो जाएगा ना, ज्यादा थिक हो जाएगा, थिक ज्यादा हो जाएगा शायद। एक कप ये ले और एक कप पानी मिला दे, हैं? ये देखो मुसा भाई, नहीं वो ठीक है तेरी बात, लेकिन ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, हमने इसको कंसिस्टेंट करना है। ठीक है तो कप तो नहीं मिला लेकिन ये मिला, इसी से काम हो जाएगा, हैं? ये इसके अंदर बना दे यार, और हम इसको करेंगे इससे। ये फ्रेश ब्रश लेके आया हूँ मैं गाइस, तो मम्मी रेडी है। दो कप मिला ले, हाँ दो तीन, एक मिला, नहीं नहीं दो कप बहुत हैं, सभी चार हैं और फ्रंट पे थोड़ा होना है। चलो आप थोड़ा सा इसका डाल के देख लेना, थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेते हैं। उसने कहा था एक जितना ये डालोगे उतना ही पानी डालना आपने, बस जी डाला। ओके अब इसके अंदर हमने मम में लाना है। कितने डाले थे, कितने कप डाले थे तूने शाजिद? ढाई ढाई, तो ढाई कप ही पानी डालेंगे इसमें। ओए ऐसे ग्रास से बचा के, ग्रास दो और थोड़ा सा बस, ये अब इसको हम ऐसे मिक्स कर देते हैं इससे। मिक्ची मिक्ची हो जाओ। अच्छा गाइस वो जो शुरू में ओए हाय ओहो, अबे यार अब क्या करें? नहीं 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 नहीं, ना कर ना कर ना कर यार, इसको मैं अपनी उंगली से रोक लेता हूँ, तू फिर जल्दी भी कर। ओके साइंसदान हो ना मैं, वो बड्डा। लो जी ओए 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 ओए, कितना प्यारा कोट आया यार, जेंगो कौन सा कोट है ये? वाइट। क्या हुआ है? छिपकली है उसके अंदर। किसके अंदर? उस वाले बॉक्स के अंदर। इस वाले में? उस अगले में। इसमें? ओ गाइस ये देखें, ओ अंदर चली गई। अब इसको निकालूं कैसे? गिर गई है, गिर गई है। ओरी 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 ओरी, निकल गई निकल गई। है अंदर? निकल गई है, निकल गई, वो उधर चली गई थी नीचे। ये वाला आप उठा के लाओ उसमें। ना ले आता हूं। आओ जी। Thank you.
मूसा भाई देखा जाए आप भी बहुत मेहनती हो। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ पेंटिंग का यार मुझे बचपन से बड़ा शौक था। वो मैंने आपके आर्ट देखे जो आपने अंदर। मूसा भाई मुझे लग रहा है हम गलती कर रहे हैं, हमने इस पे गाढ़ा ही करना था। कोई इशू नहीं है शाजिर, अभी सिर्फ पता है क्या इसके पोर्स भरने हैं आपने, ठीक है? उसके बाद फिर जो दूसरा कोट होगा ना वो हम गाढ़ा करते हैं, ठीक है? चलो ऐसा कर लेते हैं, ये तो पहले, ये भी सूखेगा काफी देर लेगा। एक दो घंटे में सूख जाएगा, असल में शाम होगी ना, इसको रख देते हैं सुबह तक सूख जाएगा। चलो फिर दूसरा सुबह करेंगे। हाँ फिर वो पेंटिंग इसके ऊपर, दूसरा कोट सुबह करके फिर पेंटिंग भी कल ही करते हैं। जब तक मूसा भाई इन सब पे पेंट कर रहे हैं ना, मैं ऐसा करता हूँ ये जो घास है ना अब ये बिल्कुल येलो हो गया और अब बिल्कुल सूख गया, वैसा करते हैं इसको ना अपने फिशर्स के केज में डाल देते हैं। आ जाओ भाई बल्कि पहले ये तो खोल दे, इधर से बाहर ही ना आ जाए। बस ये बहुत है, ऐसा करते हैं ये भी इसके अंदर डाल देते हैं, बाकी बहुत है इसके अंदर ये आराम से अंडे तो दे देंगे। और मूसा भाई कहाँ तक पहुंचे हो? बस हो गया क्या स्पीड मारते हो आप तो यार बहुत। ये एक फाइनल एक फर्स्ट कोट है, इसके बाद एक और कोट करेंगे इसके ऊपर और फिर ये डन हो जाएगा। ओके यार अब शाजिर इसको ना संभाल के ना कहीं रख, क्योंकि ये लीक हो रहे थे, मेरी उंगली सारी भर गई है। और ये देख, ओ देखो मेरा हाथ गया। ये देख ना, ये भी देख सारा, ओ ये दही है। ये मेरा हाथ देखो। ले जी गाइस हमारे बॉक्सेस को प्राइमर लग चुका है और अब बस हमने वेट करना है इस प्राइमर के ड्राई होने का। कल फिर सुबह हम इसके ऊपर एक और कोट करेंगे और उसके बाद फिर शुरू होगी हमारी चकाचक पेंटिंग। मूसा भाई हाँ गंद को हमने इंतहा का मार दिया। आंटी को अगर पता चल गया ना बेटे स्ट्रेट फायर है। यार इसको साफ करते। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो यार लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा, अगर ज्यादा पसंद आ जाए तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ओए बदतमीजो अल्लाह हाफिज़। ओए निकलो इधर से, पेंट खा रही हैं।